रजीम मुज़बीलिशवानरजीम बिसमिल्लम रहीम तो आज एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरनेशनल रिलेशन इज़ अ सब्जेक्ट तो आज हम पढ़ेंगे कि सीएसएस सी एस एस में इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे टैकल किया जाए uh, अगर इंटरनेशनल रिलेशंस को देखा जाए तो इट इज़ बेसिकली लर्नड बाय टू सेट्स ऑफ पीपल एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो जो कि इसको एज अ डिसिप्लिन पढ़ते हैं और दूसरे वो लोग होते हैं जो इसको कम्पटिटिव एग्जाम्स के लिए एज एन ऑप्शनल पढ़ते हैं तो आज हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा वो होगा उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो जिस जो इसको एज अ ऑप्शनल पढ़ते हैं कंपटेटिव एग्जाम्स के लिए तो कम्पटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो लोग पढ़ते हैं इसका जो मेन बेसिक होता है कमीशन का जो मेन पर्पज़ होता है और डिमांड जो होता है स्टूडेंट्स से वो ये होता है कि बच्चे यू नो you know, इसको थोड़ा हिस्ट्री का पता हो इंटरनेशनल रिलेशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता हो और इसके साथ आ, बच्चे ये जानें कि जो कंटेम्प्रेरी एरा में जो होता है जो हो रहा होता है इनको इंटरनेशनल सिनारी के साथ कैसे लिंक करना है ठीक है तो आ, इसके लिए ज़रूरी ये है कि बच्चे सबसे पहले यू नो द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को अंडरस्टैंड करें इसका जो कंसेपचुअल फ्रेमवर्क है इसको अंडरस्टैंड करें इसकी थ्योरीज को अंडरस्टैंड करें इसकी अप्रोचेज़ को अंडरस्टैंड करें क्योंकि यही कमीशन का बेसिक डिमांड होता है तो आ, मेरा सजेशन ये होगा कि Uh, ये जो चीज़ें हैं uh, ये जो uh, मुख्तलिफ़ामिल है डायनामिक्स है इसको लर्न को यूँ किया जाए कि द फर्स्ट थिंग लर्न द बेसिक कंसेप्ट सच अ लेंथ वेयर यू वुड नॉट फेस द इशू ऑफ क्लैरिटी ठीक है सबसे पहले ये कर रहे स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी एथ सेंचुरी इन फर्स्ट फेज इन सच अ मैनर वेयर यू कैन कनेक्ट द इन विद ईच अदर इन अ नेचुरल वे if you have the difficulty to understand in even it may mean that you haven't studied the history in a proper sequence and last theories and approaches um, you know i keep it in the last is they are philosophies emanating from ground realities and their conceptual understanding the student cause a basic confusion here and that is they usually mix theories with approaches both are two different things one deals with the ontology while the other with the epistemology uh, theories are essential to manage the conceptual understanding while approaches are the instruments how to access the knowledge right so this is the basic difference between the two so if you uh, differentiate between um, these two then you are likely to create difference in your exam if you haven't understood too, you would be failed to, uh, to apply theories or case studies by combining it with proper methodologies. the uh, third jiske aa raha that is application of, the, of theories. This is the real test of your creativity and the light of your learning. If one has not developed this, he she is still in the early age of information learning. This needs a large practice in deep critical thinking i would suggest students to uh, lean inductive approach and deductive approach for this section uh, this is the selection where you need a proper guidance you know under a supervisor or someone who is master in international relations so fourth um, we terminology and uh, taxonomy cooper international relations ki jargons hai you should not spoil it with uh, you know bombastic vocabulary Sometimes you know you use um, you know uh, general vocabulary from your english uh, uh, dictionary your english um, collection and that creates, um, you know problems for you so you should learn सो uh, international relations in in the in the language of international relations right इसके बाद um, जो last जो मसला बच्चे करते हैं वो है प्रजेंटेशन में मसला करते हैं पेपर को अच्छी तरीके से प्रजेंट नहीं, नहीं कर पाते सम दे mix इंटरनेशनल relations विद करंट अफेयर्स क्योंकि इसको वो theoretical फ्रेमवर्क का पता नहीं होता थ्योरी थ्योरेटिकल एप्लीकेशन का पता नहीं होता तो uh, इसका क्वेश्चन एग्जामिनर को कुछ यूँ लगता है जैसे कि उसने करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होता है तो दैट आल्सो क्रिएट्स ए प्रॉब्लम फॉर देम क्वेश्चन में देखे कि आपसे डिमांड किया किया जा रहा है आप क्वेश्चन में कीवर्ड्स के ऊपर जो है तोजूद एनालाइज एसेस डिस्क्राइब इवेलुएट यू नो एक्सप्लेन और इन चीज़ों के ऊपर आप तोजो दे ताकि आप एक चीज़ को दूसरे से मैक्स ना करें uh, किताबों के ऊपर आते हैं तो uh, किताबों को मैं तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड uh, करूँगा सबसे पहला कैटेगरी होगा हमारे साथ कन्सेप्ट के लिए हमने कौन सी किताबें पढ़नी है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की बेसिक कन्सेप्ट हमें समझ आए तो इसमें सबसे बड़ा जो पहला जो बुक है वो है एसेंशियल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बाय कैरन मैंगस्ट एंड एरिगुविन टॉफ्ट International Relations Power and Justice by James Wolfe, uh, International Relation by Falmer and Ferkens, International Relation by Josiah Goldstein and uh, John Feehouse. तो इसमें से कोई भी अगर आप एक किताब ले एंड वहाँ से प्रॉपरली तैयारी करें तो आपकी जो बेसिक कंसेप्ट्स है इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में क्लियर हो सकती है इसके अलावा थ्योरीज़ के ऊपर आते हैं तो थ्योरीज़ के लिए जो किताब मैं सजेस्ट करूँगा वो इन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज़ बाय स्टीन या इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज डिसिप्लिन एंड डाइवर्सिटी बाय टिम डॉन एंड मिलजा कुरकी एंड स्टीव स्मिथ और इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज बाय पॉल और विटी तो इनमें से अगर आप एक भी किताब उठा लें और इससे थ्योरीज का पोर्शन प्रॉपरली कवर करने की कोशिश करें तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद हो सकती है आ, हिस्ट्री के पोर्शन पे आते हैं तो हिस्ट्री के पोर्शन में द ट्वेंटी एथ सेंचुरी वर्ल्ड इन इंटरनेशनल हिस्ट्री बाय विलियम केलोर या मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री बाय एच एल या मास्टर मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉमन लॉ और या आखिरी यूरोप सेंस नेफुलिन बाय डेविड थॉमसन इनमें से अगर एक भी किताब आप उठा लें तो आपको जो है आ, ये हिस्ट्री का पोर्शन भी समझ आ जाएगा आपको ये बताता चलूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन सी एस एस में एक इंतहाई और मैं कहूँगा कि लो स्कोरिंग भी है तो इसके लिए आपको आ, एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ता है अगर आ, और अगर आप इसको एक डिफरेंट वे में अप्रोच करें तो आई कैन अश्योर यू दैट यू विल स्कोर वेल इन दिस सब्जेक्ट तो आ, ये चंद बुक्स थे आ, जो कि मुझे मुख्तलिफ़र्स से मुख्तफ इस्पेश्ट इसे मिले थे और ये इनकी रिकमेंडेड बुक्स थे जिसको मैंने कम्फाइल किया था और मैंने बहुत सारे इसमें अपने लिए भी है हाँ मैंने इनिशियल टाइम में गलती की थी कि मैंने एक लोकल किताब खरीदा ख़रीदा था इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जिसमें चीज़ें तो बहुत आसान लग रहे थे लेकिन आ, मुझे फिर ये थ्योरेटिकल एप्लीकेशन का पता नहीं चला मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता था मैं थ्योरी को इनकापरेट नहीं कर सकता था क्वेश्चन में तो इसके बाद मैंने थोड़ा एक वन पे मैं वापस हो गया एन दिन आई परचेज ऑल मैनी बुक्स फ्राम दिस लिस्ट एंड दैन आई अंडरस्टुड द डाइनमिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनस तो आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ स्ट्रॉगली सजेस्ट करता हूँ कि आप भी इन किताबों में से अगर एक एक किताब अप्रोच से थ्योरीज से बेसिक कंसेप्ट से और हिस्ट्री से एक एक किताब भी ले जो मैंने आपको लिस्ट दी तो इनशा यू वेल सी दैट यूअर स्कोर वेल मैनीफोल्डेड uh, सो so, uh, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हों खुश रहे और आपका रिज़ल्ट uh, बहुत अच्छा आए सी यू सोन व्यव लेक्चर गाइडेंस वेट यू सोन अल्लाह हाफिज़